हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हमारा आज वाला एसएससी का टेस्ट डिस्कस करते हैं। अपना आज का एसएससी का टेस्ट था SKSSC 2 ASKN। इस टेस्ट का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन के अंदर। जिसने भी ये टेस्ट अटेम्प्ट ना किया हो, पहले इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर लो डाउनलोड करके, और फिर इस वीडियो को देखो। देख रहे हैं हम सारे क्वेश्चंस उठाते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन एरर का है। क्या कह रहा है? आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट हर हस्बैंड डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। देखो, डाइड ऑफ जो यूज़ होता है ना, ये यूज़ होता है डाई ऑफ सम डिजीज। ठीक है, किसी डिजीज से जब कोई मरता है तब आप यूज़ करते हो डाई ऑफ। ठीक है, लेकिन डाई एक्सीडेंट जब यूज़ होता है तो आप यूज़ करते हो। देखो, अगर दिया हो ना कार एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, तब तो लगाते डाई फ्रॉम कार एक्सीडेंट। लेकिन सिंपल दिया हो ना एन एक्सीडेंट, ठीक है ना, तो वहां पे हम यूज करते हैं डाई इन एन एक्सीडेंट। देखो, डाई ऑफ तो होता है डिजीज के लिए, डाई फ्रॉम होता है रीजन के लिए, ठीक है, डाई इन होता है एन एक्सीडेंट, डाई फ्रॉम होता है डाई फ्रॉम कार एक्सीडेंट, डाई फ्रॉम ट्रक एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट। ठीक है ना, ऐसी एक डाई अवे भी होता है। डाई अवे जो होता है, इसका मतलब होता है टू रिड्यूस समथिंग, किसी चीज़ का कम होना। जनरली साउंड के लिए यूज होता है डाई अवे। एक होता है डाई डाउन। डाई डाउन का मतलब होता है ये भी कम होना होता है, डाई डाउन भी। डाई अवे तो होता है साउंड का कम होना, डाई डाउन होता है किसी के मोराल का कम होना, किसी की मोटिवेशन का कम होना। और डाई आउट होता है बिल्कुल किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, टू वैनिश। ठीक है, जैसे जैसे डायनासोर्स थे वो ख़त्म हो गए, तो दे हैव डाइड आउट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डाई ऑफ नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिए? डाई इन चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन तो हमने पहले भी किसी एक टेस्ट में किया हुआ हमारा क्वेश्चन है ये। देखने क्या कह रहा है। कह रहा है द रीज़न फॉर हिज फेलियर इज़ बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी एट ऑल। कह रहा है द रीज़न फॉर हिज फेलियर इज़ बिकॉज। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, सबको अब तो याद होना चाहिए कि द रीज़न के बाद कभी भी बिकॉज फॉलो नहीं करता। द रीज़न के साथ पेयर बनता है दैट का, तो द रीज़न फॉर हिज फेलियर इज़ दैट ही डिड नॉट स्टडी एट ऑल। उसके फेलियर का रीज़न ये है कि उसने बिल्कुल स्टडी ही नहीं की। ठीक है ना, अगला देखो। कह रहा है विराट कोहली एडिड अनदर फीदर डैश हिज कैप बाय हिज वंडरफुल परफॉर्मेंस इन द वनडे मैच। कह रहे विराट कोहली एडिड अनदर फीदर डैश हिज कैप, अनदर फीदर टू हिज कैप, वी एड अनदर फीदर टू समबडीज कैप। ठीक है ना, एड अनदर फीदर टू समबडीज कैप का मतलब होता है टू अचीव समथिंग। ठीक है, तो विराट कोहली एडिड अनदर फीदर टू हिज कैप बाय हिज वंडरफुल परफॉर्मेंस इन द वनडे मैच। टू देख लो कौन सा ऑप्शन है, वही आपका आंसर है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अगला देखो। कह रहा है ओनली व्हेन डैश फेल्ड द आर्मी रिजोर्टेड टू फोर्स। कह रहा है ओनली व्हेन एफर्ट्स फेल्ड द आर्मी रिजोर्टेड टू फोर्स। रिजोर्ट का मतलब होता है सहारा लेना। तो कह रहा है ओनली वेन, जब डैश बिल्कुल फेल हो गए ना, तब आर्मी को सहारा लेना पड़ा फोर्स का। ओनली वेन एफर्ट्स फेल्ड, अब फोर्स भी तो एफर्ट्स में ही आ रहा है। ओनली वेन अरेस्ट फेल्ड, परसुएशंस फेल्ड या मैनिपुलेशंस फेल्ड। देखो, मैनिपुलेशन जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है किसी सिचुएशन को कंट्रोल करना, हैंडल करना स्किलफुली। तो मैनिपुलेशन फेल हो गई नहीं। परसुएशन, परसुएशन का मतलब होता है मनाना किसी को, परसुएड करना कि भैया ये काम कर लो। तो परसुएशन जो वर्ड है ये यूज़ होता है। अब देखो यहाँ पे क्या यूज़ होना चाहिए, ओनली व्हेन परसुएशन फेल्ड। भाई पहले वो आराम से मना रहे थे, वो माने नहीं, तो आर्मी को क्या करना पड़ा, फोर्स को यूज़ करना पड़ा। ठीक है, अगला देखो। अगला क्वेश्चन इज सिनोनिम बताना है आपको परनीशियस वर्ड का। परनीशियस इज़ अ वर्ड विच मीन्स, देखो परनीशियस के अंदर ना NIC रूट है। NIC का मतलब होता है डार्क, हार्म, और OUS हो जाता है फुल ऑफ। परनीशियस वर्ड का मीनिंग ये होता है फुल ऑफ हार्म, हार्मफुल। ठीक है,
फर्स्ट ऑप्शन इज बेनिफिशियल, ये तो एंटोनिम है, इसका हमें सिनोनिम बताना है। सेकंड ऑप्शन इज डेंजरस, डेंजरस वर्ड इसका सिनोनिम हो सकता है, लेकिन बाकी ऑप्शंस देखते हैं। इनोकुअस, नोकुअस जो वर्ड होता है ना, NOC, NOC भी होता है हार्म, और OUS हो गया फुल ऑफ, तो नोकुअस होता है हार्मफुल, लेकिन इनोकुअस होता है हार्मलेस और एडवांटेजियस, तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा डेंजरस। अगला देखो, अगला वर्ड इज स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट जो वर्ड होता है, स्ट्रिंजेंट रूल्स होते हैं, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज अनोइंग, सेकंड ऑप्शन इज रिवेंजफुल, थर्ड ऑप्शन इज इंसिडेंटल, एंड फोर्थ इज रिगरस। अनोइंग तो गुस्सा दिलाने वाला, रिवेंजफुल बदले की भावना, इंसिडेंटल, इंसिडेंटल ऐसी चीज़ होती है जो जो अचानक से कोई चीज़ हो जाए, ठीक है। मैं कर तो कुछ रहा था, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे जैसे मैं क्लासेस चला रहा हूँ, तो क्लास चलाने के लिए मेरे खर्चे जो हैं वो हो गया मार्कर का खर्चा, ठीक है, और जो मैं मटेरियल फोटोकॉपी करवाता हूँ उसका खर्चा, ये सब सारे मेरे नॉर्मल मेन खर्चे हो गए, ठीक है। लेकिन जो चाय का खर्चा हो गया, अब मान लो कोई गेस्ट आ गया, उसको चाय पिला दी, ठीक है ना, तो ये जो चाय का खर्चा हुआ ये कौन सा हुआ, इंसिडेंटल। तो मतलब जो अनप्लैंड हो, प्लैंड नहीं होते ये खर्चे, ठीक है ना, जो भी चीज़ अनप्लैंड हो उसको बोलते हैं इंसिडेंटल। और रिगरस जो वर्ड होता है इसका मतलब ही होता है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट का सिनोनिम हो गया रिगरस। नेक्स्ट दो वर्ड्स का एंटोनिम बताना है, वैक्सेशियस, VEX, वैक्स जो वर्ड होता है ना इसका मतलब होता है गुस्सा दिलाना, ठीक है ना, किसी को नाराज करना, और वैक्सेशियस जो वर्ड हो गया इसका मतलब हो गया एनोइंग, तो वैक्सेशियस हो जाता है एनोइंग। ऑप्शंस देखो, एंटोनिम बताना है, फर्स्ट वर्ड इज कैलामिटस, कैलामिटस देखो कैलामिटी प्लस OUS है, कैलामिटी होता है डिजास्टर, ठीक है, तो डिजास्ट्रस, कैलामिटस क्या हो जाएगा डिजास्ट्रस। ट्रिचरी जो वर्ड होता है ये होता है डिसलॉयल्टी, किसी को डिसीव करना, ठीक है। सूदिंग, सूदिंग होता है किसी को शांत करना, वैक्सेशियस इज एनोइंग और सूदिंग इज किसी को शांत करना, ठीक है ना, तो एनोइंग का एंटोनिम हो जाता है सूदिंग, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। प्लाईएबल जो फोर्थ ऑप्शन है इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट वर्ड इज बर्जियोन, बर्जियोन जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है टू ग्रो रैपिडली, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज बोल्स्टर, बोल्स्टर का तो मतलब होता है टू हेल्प समथिंग, टू सपोर्ट। श्रिवल जो वर्ड है इसका मतलब होता है श्रिंक, टू रिड्यूस। बर्जियोन इज टू इंक्रीज, श्रिवल इज टू डिक्रीज। माउंट जो होता है ये भी होता है टू इंक्रीज, एम्पलीफाई भी होता है इंक्रीज, एम्पलीफायर होता है ना जो वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो बर्जियोन जो है उसका जो एंटोनिम होगा वो हो जाएगा श्रिवल। नेक्स्ट इज लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ होता है मतलब ताजी खाओ, ताजी ताजी कमाओ, ताजी खा लो, उसको बोलते हैं लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। जो थर्ड ऑप्शन है टू हैव इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा, कह रहा है इतनी मनी होना कि आप इजीली लिव ऑन कर सकते हो, जी पा रहे हो, बस इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। अगला है टू फेस द म्यूज़िक, टू फेस द म्यूज़िक होता है भाई किसी बुरी चीज़ का जो भी कॉन्सिक्वेंस हो उसको फेस करना, बियर करना। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको इम्प्रूव करना है, कह रहा है ही थैंक मी, उसने मुझे थैंक किया फॉर वट आई हैव डन फॉर हिज वाइफ, उसने थैंक यू बोला तो मैंने पास्ट में कुछ किया होगा, वट आई हैव डन नहीं, इट शुड बी वट आई हैड डन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। हैज़ बीन डन हो नहीं सकता, पैसिव चाहिए ही नहीं, हैव बीन डन भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, पैसिव तो हमें चाहिए ही नहीं था, हैव डन इसलिए नहीं हो सकता, प्रेजेंट आ गया जबकि चाहिए हमें, पास्ट खत्म हो जाता है ये भी, ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। कह रहा है हार्डली नथिंग वॉज ऑफर्ड, अब देखो हार्डली जो है ना अपने आप में खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है, जब हार्डली खुद एक नेगेटिव वर्ड है तो इसको जो वर्ड चाहिए वो नेगेटिव सेंस का चाहिए, लेकिन नेगेटिव नहीं चाहिए, हार्डली के साथ नो यूज़ नहीं करोगे आप, तो हार्डली नथिंग वॉज ऑफर्ड टू द विक्टिम्स ऑफ द अर्थक्वेक, हार्डली समथिंग वॉज ऑफर्ड, हार्डली एनीथिंग वॉज ऑफर्ड, या हार्डली लिटल। देखो हार्डली समथिंग भी यूज़ नहीं होगा, आप यूज़ करोगे हार्डली एनीथिंग। समथिंग और एनीथिंग में क्या डिफरेंस होता है, सम यूज़ होता है पॉजिटिव सेंस में, एनी यूज़ होता है नेगेटिव सेंस में, तो यहाँ हमें हार्डली वर्ड से ही पता लग रहा है कि नेगेटिव सेंस है, और लिटल तो खुद ही बिल्कुल ना के बराबर होता है, तो हार्डली लिटल वॉज ऑफर्ड सिंपल होता है, लिटल वॉज ऑफर्ड तब आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हार्डली के साथ लिटल की ज़रूरत भी
नहीं है। जो ऑप्शन बनता है वो बनता है हार्डली एनीथिंग। समथिंग इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि समथिंग जो है वो पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है। डू यू हैव सम मनी मीन्स आप पॉजिटिव थिंकिंग में पूछ रहे हो, और डू यू हैव एनी मनी दिस इज़ काइंड ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड, अपने ही बच्चों को मारने को क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ फोर्टिसाइड। फोर्टिसाइड होता है या फिटिसाइड होता है, दोनों ऑप्शंस यूज़ होते हैं। फोर्टिसाइड होता है टू किल इन बोन बेबी, ठीक है, जो हम हिंदी में भ्रूण हत्या बोलते हैं, दैट इज़ फोर्टिसाइड। फिलिसाइड होता है टू किल चिल्ड्रन। इन्फांटिसाइड होता है टू किल न्यू बोर्न बेबी। देखो फिटिसाइड इज़ अनबोर्न बेबी, टू किल अनबोर्न बेबी। इन्फांटिसाइड इज टू किल न्यू बोर्न बेबी एंड फिलिसाइड इज टू किल चिल्ड्रन, ठीक है। तो अपने बच्चों को मारना है, चाइल्ड को मारना है, फिलिसाइड, ठीक है। इन्फांटिसाइड भी अपने बच्चे को मारना है लेकिन वो न्यू बोर्न को मारना है, ठीक है ना। एंड ल्यूपिसाइड, ल्यूपिसाइड का मतलब होता है टू किल वॉल्व, ठीक है। कह रहा है ए लवर ऑफ वर्क, काम से लव करने वाला। ये तो शायद आज आप इजीली कर पाए होगे अगर आपने पिछला वीडियो देखा था, क्योंकि हमने एक चीज़ सीखी थी कि ERGO एर्गो का मतलब होता है वर्क, ठीक है ना। हमने वर्ड किया था एर्गो, एर्गोमैनिएक, ठीक है ना, जो काम के लिए पागल हो, ठीक है। तो वर्ड आज बन गया एर्गोफाइल, एर्गोफाइल हो गया लवर ऑफ वर्क, ठीक है। जो ओइनोफाइल है ये होता है लवर ऑफ वाइन। टेक्नोफाइल हो जाता है लवर ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड रोमनोफाइल हो जाता है लवर ऑफ रोम, ठीक है जी। अगले क्वेश्चंस देखो, इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन इज इम्प्रेशन। इम्प्रेशन किसी के ऊपर इम्प्रेशन जमाते हैं, कोई इम्प्रेशन हमारे दिमाग में होता है, फीलिंग आइडिया से रिलेटेड होता है इम्प्रेशन। स्पेलिंग ओके है। पर्सनल, लो जी पर्सनल की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, डबल एन नहीं आएगा, सिंगल एन आएगा पर्सनल, ठीक है। टेररिज्म और इलिटरेट की स्पेलिंग ओके है, इलिटरेट हो जाता है अनपढ़, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्टुपिफिकेशन, स्टुपिफेक्शन। स्टुपिफेक्शन जो वर्ड है इसका मतलब होता है अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। प्रेफरेंशियल, इसकी स्पेलिंग ओके है। सर्विलेंस, इसकी स्पेलिंग ठीक नहीं है, SURVEILLANCE होता है, ठीक है ना, ENCE नहीं, ANCE। और नेक्स्ट वर्ड इज डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल जो है ना, अभी हमने वो वर्ड किया था ना पर्नीशियस, सिनोनिम वाले क्वेश्चंस में पर्नीशियस, नोकुअस, उनका सिनोनिम होता है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल भी होता है हार्मफुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है इट हैज़ बीन द हैंडमेड ऑफ द रूलिंग क्लास। इट हैज़ बीन द हैंडमेड ऑफ द रूलिंग क्लास, कह रहे ये जो है ना हैंडमेड है रूलिंग क्लास का। हैंडमेड होता है असिस्टेंट, ठीक है। हैंडमेड, एक्चुअल हैंडमेड का मतलब होता है मतलब कोई प्राइवेट सर्वेंट, ठीक है ना, और जनरली फीमेल सर्वेंट के लिए यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे अब इट यूज़ कर रहा है तो फीमेल सर्वेंट तो है नहीं, है ना। तो इट हैज़ बीन द हैंडमेड ऑफ द रूलिंग क्लास, जो रूलिंग क्लास है उसका हैंडमेड है। अब पी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, इट से स्टार्ट हो रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं है। अगला देखते हैं। अच्छा देखो ऑप्शंस में अगर आप ध्यान से देखो तो दो सेंटेंसेस पी से स्टार्ट हो रहे हैं, दो एस से स्टार्ट हो रहे हैं। या तो एस फर्स्ट होना है या होना है पी। पी मेरे को लग नहीं रहा, आगे एस देख लेंगे क्या कह रहे हैं। क्यू को देखो क्या कह रहा है, देयर फोर एवर सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, कह रहा है देयर फोर इसलिए जब से सिविलाइजेशन का डॉन हुआ है। डॉन का मतलब होता है उदय। तो जब से सिविलाइजेशन चल रही है ना, पर्सन्स इन पावर हैव ऑलवेज ट्राइड टू सुपरवाइज और कंट्रोल एजुकेशन। तो जो पावर होती है ना जिन पर्सन के पास, दे हैव ऑलवेज ट्राइड टू सुपरवाइज और कंट्रोल एजुकेशन। तो वो हमेशा से कोशिश करते आए हैं कि वो सुपरवाइज करें और कंट्रोल करें एजुकेशन को। आर में कह रहा है एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इम्पार्ट्स नॉलेज एंड देयरफॉर इनडायरेक्टली कंट्रोल्स पावर। कह रहा है कि एजुकेशन जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी चीज़ है जो नॉलेज देती है और इसीलिए इनडायरेक्टली पावर को कंट्रोल करती है। और क्यों मैं कह रहा था कि इसीलिए जब से सिविलाइजेशन चल रही है तब से जिन पर्संस के पास पावर है उन्होंने हमेशा एजुकेशन को कंट्रोल किया है और सुपरवाइज किया है, ठीक है ना। अगला और देखो, कह रहा है इट इज़ एन ओल्ड सेइंग
दैट नॉलेज इज पावर। ठीक है भाई, इट इज़ एन ओल्ड सेइंग दैट नॉलेज इज पावर। कह रहा है कि ये चीज बहुत पुरानी सेइंग है कि नॉलेज इज पावर। ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है क्योंकि इंडिपेंडेंट है, किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसा हमारा फर्स्ट सेंटेंस बनता है। ऑप्शंस देखो, एक कह रहा है SQPR, दूसरा कह रहा है SRQP। ठीक है, यानी कि Q और P तो इकट्ठे आने ही आने हैं। ठीक है, Q के बाद P आना है देखो, और या तो S के बाद आ रहा है या लास्ट में आ रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है इट इज़ एन ओल्ड सेइंग, पहले एक बार Q और P को देख लेते हैं। देयर फॉर एवर सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन पर्सन्स इन पावर हैव ऑलवेज ट्राइड टू सुपरवाइज और कंट्रोल एजुकेशन। इट हैज़ बीन द हैंडमेड ऑफ द रूलिंग क्लास। ठीक है, रूलिंग क्लास की बात की थी इसने, पर्सन इन पावर के थ्रू। पी के बाद क्यू आ रहा है, बिल्कुल ओके है। सॉरी, क्यू के बाद पी आ रहा है, बिल्कुल ओके है। अगला देखो, आर को पढ़ते हैं। कह रहा है एडुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इम्पार्ट्स नॉलेज एंड देयर फोर इनडायरेक्टली कंट्रोल्स पावर। देखो क्या कहना चाह रहा है इसमें, कह रहा है कि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो नॉलेज देती है, जिससे इनडायरेक्टली हम पावर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और अगर मैं क्यू से स्टार्ट कर दूं, एस के बाद, एस था कि नॉलेज इज पावर, और फिर कह रहा है देयर फॉर एवर सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन पर्सन इन पावर हैव ऑलवेज ट्राई टू सुपरवाइज और कंट्रोल एजुकेशन। देखो, नॉलेज से पहले एडुकेशन पे जाना पड़ेगा, फिर एडुकेशन से आपको, मतलब लिंकेज देखो ना, एस के अंदर कह रहा है कि नॉलेज इज पावर। ठीक है, आर के अंदर लिखा है कि एजुकेशन जो है उससे नॉलेज मिलती है, इस कारण से एजुकेशन को ही हम कह सकते हैं कि कंट्रोल करती है पावर को, और इसलिए जो रूलिंग क्लास होती है वो हमेशा पावर को, एजुकेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ठीक है ना, तो SRQP जो है वो इसकी करेक्ट सीक्वेंस बनती है। ठीक है, अगला देखो, अगला सेंटेंस क्या कह रहा है। कह रहे दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट देर इज अ रैम्पेंट माइग्रेशन ऑफ रूरल फैमिलीज टू अर्बन सेंटर्स। कह रहे दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट, ये कह रहे ये चीज़ ना इस फैक्ट के बावजूद है कि देर इज रैम्पेंट माइग्रेशन। रैम्पेंट होता है अनकंट्रोल्ड। ठीक है, बहुत जबरदस्त माइग्रेशन हो रही है ऑफ रूरल फैमिलीज टू अर्बन सेंटर्स। तो दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट, इससे पहले जरूर कोई ना कोई बात लिख चुका होगा। ये फर्स्ट सेंटेंस आपका नहीं हो सकता, प्यू हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं है। देखो एस आर और क्यू को फर्स्ट बना रहा है वो। ठीक है, देख लेते हैं। कह रहे जनरली द गेन्स ऑफ बीइंग ए यूनिट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन आर लेस देन द डिसएडवांटेजेस एंड रिस्क दैट आर इनबिल्ट इन अर्बन लाइफ। कह रहे जनरली जो गेन्स है ना बीइंग ए यूनिट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, भी शहर में रहने के जो फायदे हैं ना वो आर लेस देन द डिसएडवांटेजेस एंड रिस्क दैट आर इन बिल्ट इन द अर्बन लाइफ। भाई शहर में रहने के जो फायदे हैं ना वो नुकसान से बड़े कम हैं, मतलब शहर में रहने के नुकसान ज़्यादा हैं। ठीक है, कुछ ऐसी बात कहना चाह रहा है, इंडिपेंडेंट लग भी रहा है, फर्स्ट हो भी सकता है और नहीं भी, अभी पता नहीं हमें। आर कह रहा है रूरल पॉपुलेशन स्टिल डोमिनेट्स द अर्बन पॉपुलेशन एज फार एज द नंबर इज कंसिडर्ड। कह रहे रूरल पॉपुलेशन जो है आज भी डोमिनेट करती है अगर हम नंबर की बात करें तो। ठीक है, और एस कह रहे हैं इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ विलेजेस। देखो चारों सेंटेंसेस में से तीनों, मतलब क्यू और एस दोनों इंडिपेंडेंट थे। आर इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं था क्योंकि कह रहे रूरल पॉपुलेशन स्टिल डोमिनेट्स, अभी तक भी डोमिनेट करती है, यानी इससे पहले कोई ना कोई बात आपको बताएगा उसके बाद ही चलेगा। ठीक है, अब यहां पे देखो एस भी आपका फर्स्ट हो सकता है और क्यू भी आपका फर्स्ट हो सकता है। ठीक है, अब क्यू को अगर अपन फर्स्ट मान के चलते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है देखो क्यू आर एस पी। कह रहे जनरली द गेन्स ऑफ बीइंग ए यूनिट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन आर लेस देन द डिसएडवांटेजेस एंड रिस्क दैट आर इनबिल्ट इन अर्बन लाइफ। ठीक है, क्यू के बाद आर रूरल पॉपुलेशन स्टिल डोमिनेट्स द अर्बन पॉपुलेशन एज फार एज द नंबर इज कंसिडर। आर के बाद एस इंडिया इज अ कंट्री ऑफ विलेजेस। पी दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर इज अ रैम्पेंट माइग्रेशन। इसकी कोई खास सीक्वेंस नहीं बन रही, कोई भी अजीब अजीब से सेंटेंसेस बन रहे हैं।
अगला और देख लो पहले, फोर्थ ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हम एलिमिनेट कर चुके हैं क्योंकि आर को हम फर्स्ट मान ही नहीं रहे। अगला और देख लो, कह रहा है क्यू पी आर एस। क्यू में कह रहा है जनरली द गेन्स ऑफ बीइंग ए यूनिट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन आर लेस देन, ठीक है। पी में कह रहा है दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर इज ए रैम्पेंट माइग्रेशन ऑफ रूरल फैमिलीज टू अर्बन सेंटर्स। कह रहा है ये उस फैक्ट के बावजूद है, क्यों के बाद पी, मतलब कह रहा है क्यों में तो कह रहा है कि अर्बन पॉपुलेशन जो है ना वो आज भी अर्बन अर्बन सिटीज़ में, यानी कि सिटीज़ में रहना आज भी जो है ना वो उतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना नुकसानदायक है। और पी में कह रहा है कि दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर इज़ अ रैम्पेंट माइग्रेशन ऑफ रूरल फैमिलीज टू अर्बन सेंटर्स। अब क्यू के बाद पी थोड़ा सा मेरे को तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। आर और देखो रूरल पॉपुलेशन स्टिल डोमिनेट्स, फिर एस लास्ट में इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ, ना ये भी नहीं बन रहा। तो ना फर्स्ट बना ना सेकेंड बना ना फोर्थ, शायद थर्ड बनना चाहिए। थर्ड को एक बार देख लेते हैं। थर्ड में देखो क्या कह रहा है, एस आर क्यू पी। एस में दे रहा है इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ विलेजेस, आर में दे रहा है रूरल पॉपुलेशन स्टिल डोमिनेट्स द अर्बन पॉपुलेशन एज फार एज द नंबर इज़ कंसिडर्ड। भाई रूरल गाँव में जो पॉपुलेशन है वो शहरों की पॉपुलेशन से ज़्यादा है, ठीक है। क्यू जनरली द गेन्स ऑफ बींग ए यूनिट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन आर लेस देन द डिसएडवांटेजेस। और पी दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट देर इज़ अ रैम्पेंट माइग्रेशन। देखो थर्ड आंसर भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। एसएससी ने यही ऑप्शंस दिए थे लेकिन एसएससी के चारों ऑप्शन गलत हैं। एस आर बनेगा लेकिन उसके बाद पी क्यू बनेगा। देखो एस में कहा इंडिया इज ए कंट्री ऑफ विलेजेस, आर में कहा रूरल पॉपुलेशन स्टिल डोमिनेट्स द अर्बन पॉपुलेशन, दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर इज अ रैम्पेंट माइग्रेशन। इतने लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, माइग्रेशन हो रही है रैम्पेंट, फिर भी रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है। और एक फिर जनरल सी क्यू के अंदर बात की कि शहर में जाने के नुकसान ज़्यादा हैं, फायदे कम हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो एक्चुअल सीक्वेंस बननी चाहिए थी, जहाँ से ये पैसेज उठाया गया है वहाँ पे भी जो एक्चुअल सीक्वेंस है दैट सीक्वेंस इज एस आर पी क्यू, लेकिन इसके अंदर आंसर करेक्ट दिया नहीं था, तो चैलेंज किया जा सकता है इसको, ठीक है। अगला देखो, कह रहे द रेसिडेंट्स सेलिब्रेटेड दिवाली, द रेसिडेंट्स सेलिब्रेटेड दिवाली। ऑप्शंस देखो, कह रहे हैं सेलिब्रेशंस ऑफ दिवाली, सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली वॉज डन बाय द रेसिडेंट्स। सिंपल ना, दे सेलिब्रेशन ऑफ दिल्ली क्यों, सेलिब्रेटेड तो मेन वर्ब है यहाँ पे, तो दिवाली वॉज सेलिब्रेटेड कुछ ऐसा चाहिए हमें, दिवाली हैज़ बीन नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन दिवाली वॉज सेलिब्रेटेड बाय द रेसिडेंट्स, यही ऑप्शन है आपका आंसर, ठीक है ना। दिवाली इज हो नहीं सकता फोर्थ ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखो, कह रहे द फोरमैन सेट टू हिज वर्कर्स आई कैन नॉट पे यू हायर वेजेस। फोरमैन सेट टू हिज वर्कर्स आई कैन नॉट पे यू हायर वेजेस। ऑप्शन देखो, द फोरमैन वार्न्ड हिज वर्कर्स दैट ही कैन नॉट नहीं होना चाहिए, ही कुड नॉट होना चाहिए। द फोरमैन टोल्ड हिज वर्कर्स दैट ही कुड नॉट पे देम हायर वेजेस, हो सकता है। अगले ऑप्शन देख लेते हैं, द फोरमैन टोल्ड हिज वर्कर्स दैट दे कुड नॉट बी पेड हायर वे, कुड नॉट, दे कुड नॉट बी पेड, क्यों भैया पैसिव क्यों बना रहे हो, सिंपल बना दो जब बना हुआ है तो। फिर कह रहे हैं द फोरमैन फोरबिड हिज वर्कर्स, फोरबिड, फोरबिड तो वैसे ही नहीं हो सकता, फोरबिड होना चाहिए, पास्ट की बात चल रही है, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा सेकंड ऑप्शन। अगला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इट इज नॉट डैश टू इग्नोर ऑल एलिगेशंस ऑफ बूथ कैप्चरिंग एंड रिगिंग एज मर्मर्स ऑफ डैश लूजर्स। अच्छा अगेन देखो, हम शुरू से ही नहीं चलते, एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहे इट इज़ नॉट डैश टू इग्नोर ऑल एलिगेशंस ऑफ बूथ कैप्चरिंग एंड रिगिंग एज मर्मर्स ऑफ लूजर्स। बूथ कैप्चरिंग होती है जब मतलब किसी बूथ को, इलेक्शन बूथ को कुछ लोग जाके कैप्चर ही कर लेते हैं और अपनी मर्जी से वोटिंग करवाते हैं वहाँ पे। और रिगिंग जो वर्ड होता है, रिगिंग का मतलब होता है हेरा फेरी, और मर्मर्स का मतलब होता है बड़बड़ाना,
ठीक है ना। तो इट इज़ नॉट डैश टू इग्नोर ऑल एलिगेशन, कह रहा है कि ये चीज़ पता नहीं डैश नहीं है कि हम सारे एलिगेशंस को इग्नोर कर दें, ऑफ बूथ कैप्चरिंग एंड रिगिंग एज मर्मर्स ऑफ डैश लूजर्स, मर्मर्स ऑफ लूजर्स। ठीक है, अभी लूजर्स बड़बड़ा रहे हैं कि रिगिंग हुई है या ये हुई है, ये चीज़ डैश नहीं है, पता नहीं क्या नहीं है। ठीक है, डैश हैव कम टू लाइट ऑफ इंटिमिडेशन, कह रहे डैश हैव कम टू लाइट ऑफ इंटिमिडेशन ऑफ हॉल विलेजेस एंड कम्युनिटीज टू मेक देम वोट फॉर ए पर्टिकुलर कैंडिडेट और पार्टी। ठीक है, डैश हैव कम टू लाइट, कम टू लाइट का मतलब होता है सामने आना, प्रकाश में आना, ऑफ इंटिमिडेशन, कह रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिनमें इंटिमिडेशन की गई है। इंटिमिडेशन होता है डराना धमकाना, ऑफ होल विलेजेस एंड कम्युनिटीज़ की, पूरी पूरी कम्युनिटी को या विलेजेस को डराया धमकाया गया है, एंड टू मेक देम वोट फॉर ए पर्टिकुलर कैंडिडेट और पार्टी। किस लिए डराया धमकाया गया, ताकि वो एक ही पर्टिकुलर पार्टी या बंदे के लिए वोट करें। एट टाइम्स, एट टाइम्स का मतलब होता है समटाइम्स, ओकेजनली, इलेक्शन ऑफिशियल्स हैव बीन डैश बाय अनस्क्रूपलस पॉलिटिशियंस, इलेक्शन जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी डैश किया जाता है बाय अनस्क्रूपलस पॉलिटिशियन। अनस्क्रूपलस होते हैं डिसऑनेस्ट या जो मतलब आपके इमोरल पॉलिटिशियन हो जाते हैं, इनटू टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू डैश प्रैक्टिसेस। मतलब इलेक्शन ऑफिशियल्स को भी डराया धमकाया जाता होगा, कुछ ऐसा ही पॉलिटिशियन डरा धमका देते हैं कि भाई अपनी आंख बंद कर लो, टू डैश प्रैक्टिसेस, जो भी गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर गलत प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ ऐसी बातें कहना चाह रहा है। ऑप्शंस देखते हैं, इट इज़ नॉट डैश टू इग्नोर ऑल एलिगेशंस ऑफ बूथ कैप्चरिंग एंड रिगिंग एज मर्मर्स ऑफ लूजर्स, इट इज़ नॉट रियलिस्टिक, रियलिस्टिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, सेंसिबल। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू इग्नोर ऑल एलिगेशंस, हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, इट इज़ नॉट रिलायबल, रिलायबल का होता है विश्वास के लायक, इट इज़ नॉट रिलायबल टू इग्नोर, मतलब रिलायबल नहीं, रिलायबल नहीं। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड की भी कोई सेंस नहीं आती। इट इज़ नॉट असेंशियल, असेंशियल जरूरी नहीं है तो नहीं। इट इज़ नॉट रियलिस्टिक टू इग्नोर ऑल एलिगेशन ऑफ बूथ कैप्चरिंग एंड रिगिंग एज मर्मर्स ऑफ डैश लूजर्स, कि भाई ये ना गलत, मतलब इसको इग्नोर करना प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब ठीक नहीं है कि भाई रिगिंग या बूथ कैप्चरिंग जो है ना वो सिर्फ मर्मर्स हैं, वो लोग बड़बड़ाते हैं जो लूजर्स हैं। कौन से लूजर्स हैं, रैशनल लूजर्स, रैशनल हो जाता है लॉजिकल लूजर्स, लॉजिकल का कोई सेंस नहीं है। डिसग्रंटल्ड, डिसग्रंटल्ड का मतलब होता है एनॉयड या अनहैप्पी, तो लूजर्स जो हैं वो अनहैप्पी हैं इसलिए बड़बड़ा रहे हैं। ह्यूज लूजर्स या आइडियलिस्ट लूजर्स, ना ना तो ह्यूज लूजर्स, ना ही आइडियलिस्ट, ना ही रैशनल, डिसग्रंटल्ड लूजर्स। ठीक है, फिर कह रहे हैं डैश हैव कम टू लाइट ऑफ इंटिमिडेशन ऑफ होल विलेजेस एंड कम्युनिटीज टू मेक देम वोट फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट और पार्टी। इंस्टांसिस हैव कम टू लाइट, इंस्टांसिस का मतलब होता है कुछ घटनाएं, तो कुछ घटनाएं सामने आई हैं कि भाई सारे विलेजेस को या फिर कम्युनिटीज को डराया धमकाया गया है, हो सकता है इंस्टांसिस। तो सोर्सेज हैव कम टू लाइट, सोर्सेज की कोई सेंस नहीं है, रीजंस या आइडियाज़ की भी यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, तो जो एलिमिनेशन के बाद ऑप्शन बचता है वो बचता है इंस्टांसिस। एट टाइम्स इलेक्शन ऑफिशियल्स हैव बीन डैश बाय अनस्क्रूपलस पॉलिटिशियंस इनटू टर्निंग ए ब्लाइंड आई टू डैश प्रैक्टिसेस, कह रहा है एट टाइम्स ओकेजनली होता क्या है कि ऑफिशियल्स को भी डैश किया जाता है अनस्क्रूपल प्लस पॉलिटिशियन के द्वारा, कि आंखें बंद कर लो, क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है अनस्क्रूपल प्लस पॉलिटिशियन से। ऑफिशियल्स को तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, पॉलिटिशियन डिसाइड नहीं करते, ये तो नहीं सकता। सेफ गार्डेड, सेफ गार्डेड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, तो अनस्क्रूपलस पॉलिटिशियन हैं, डिसऑनेस्ट हैं, इमोरल हैं, तो वो प्रोटेक्ट तो बिल्कुल नहीं करेंगे। रिजुवनेट का मतलब होता है रिवाइव करना, उनको रिवाइव किया जाता है, पुनर्जन्म दिया जाता है, इसकी भी कोई सेंस नहीं है। थ्रेटन्ड, थ्रेटन्ड का मतलब होता है डराना धमकाना, तो कह रहा है ओकेजनली इलेक्शन ऑफिशियल्स को भी डराया धमकाया जाता है पॉलिटिशियंस के द्वारा, किस लिए, इनटू टर्निंग ए ब्लाइंड आई, कि अपनी आंख बंद कर लो, टू डैश प्रैक्टिसेस, टू सिग्निफिकेंट प्रैक्टिसेस, टू रेयर प्रैक्टिसेस, अनजस्ट या यूजुअल। देखो सिग्निफिकेंट, रेयर और यूजुअल,
सिग्निफिकेंट होता है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसेस पे आंखें बंद कर लो, रेयर पे जो कभी कभार होती हैं, या यूजुअल पे जो हमेशा होती हैं, या अनजस्ट, नेगेटिव वर्ड चाहिए। अनजस्ट का मतलब होता है कि जो जस्टिफाइड ना हो, ठीक है ना, जो न्यायपूर्ण ना हो, उन चीज़ों के लिए अपनी आंखें बंद कर लो, इसके लिए उनको धमकाया जाता है, ठीक है। तो आंसर जो बनता है वो बनता है अनजस्ट। तो देखो अल्टीमेटली अगर देखा जाए ना, तो ये जो टेस्ट था कोई खास मुश्किल टेस्ट नहीं था, बहुत इजीली हम 35+ स्कोर कर सकते थे। थोड़ा सा चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत थी, इससे ज़्यादा कोई खास चीज़ें थी नहीं, ठीक है ना। तो आज के लिए ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।